नमस्कार आपण देखते अर्गस्ट अपडेट आपने प्रथम हेडलाइंस भारत पर खुशी खबर 2020-21 आर्थिक वर्ष तृतीय त्रैमासिक जीडीपी रे वृद्धि अक्टोबर डिसेंबर मध्य 0.4% जीडीपी वृद्धि घर हस्पिटाल दिजा कोरोना टीका राज्य में 183 हस्पिटाल को केन्द्र अनुमति मार्च पहलू वयोजेष्ठ को टीका घोषणा पर दिल्ली को चिठी लिखि सरकार राज्य में नुआ स्ट्रेन को नहीं बढ़ला सतर्कता आज विशेष जरिया भारतीय खेलना मेलार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री शिशुर मनर विकास में सहायक होता है खेलना फेब्रुआरी 27 रु मार्च 2 पर्यंत चलो मेला खरापाई सकालू स्कूल ग्रीष्म प्रवाह को देखी बदलला टाइम 7-9 जाए स्कूल जी नवम एवं एकादश श्रेणी छात्र छात्री 9-1 जाए दशम द्वादश श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा बाजला निर्वाचनी बिगुल 4 राज्य गोटे केन्द्रशासित अंचल 824 विधानसभा सीट पर तारीख घोषणा 27 मार्च रु भोट मे 2 रे फलाफल पश्चिमबंगे 8 पर्यायर मतदान अनलाइन नामांकन 5 जन सीमित रहा कैंपेन और लास्ट जेना परे प्रदीप प्रधान डेथ मिस्ट्री हाथ भांगी भी गचरे चढ़ी केमी कले आत्महत्या बढ़ला सन्देह कुजंग पंकपाल मद दुकान सेल्समैन थे प्रदीप उल्लास मृत्यु सह रही कि कनेक्शन आज पवित्र माघ पूर्णिमा श्रीमंदिर में गज उदाहरण बेस सुजोजित हे श्रीजीव रत्न सिंहासन गुरुड़ उपरे बसी देवे दर्शन सांगे रे माँ लक्ष्मी कोरोना नुआ स्ट्रेन को नहीं राज्य सतर्कता 12 राज्य फेरुवा प्रवासी कड़ा नजर रखिंट राज्य सरकार रेल स्टेशन और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बाध्यतामूलक राज्य में वर्तमान दैनिक पखापाखि 100 छुई पजिट संख्या 24 घंटे बलांगीर जनकर कोरोन मृत्यु होता जमापड़ राज्य में बढ़ला कोरोना रेल स्टेशन एयरपोर्ट सतर्कता 12 राज्य फेरुवा प्रवासी स्क्रीनिंग बाध्यतामूलक स्वास्थ्य विभाग निर्देश परे विमान बंदर रे महाराष्ट्र केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ कर्णाटक दिल्ली तेलंगाना मध्यप्रदेश चंडीगढ़ भली राज्यरु आसुतिबा यात्री स्क्रीनिंग कड़ाकड़ी कराउची जेउ व्यक्ति निकट में किसी पॉजिटिव लक्षण रही संगे संगे आइसोलेशन रे नेबाकु निष्पत्ति नियाजैछि वर्तमान प्रतिदिन राज्य बाहर प्राय 4000 यात्री ओडिशा आसुचंती भुवनेश्वर विमान बंदर को प्रतिदिन प्राय 32 विमान जास करुचंती राज्य सरकार को निर्देश परे 12 राज्य ओडिशा आसुथिबा लोकंक उपरे बेसी नजर रखा जाउची पूर्वरु एयरपोर्ट रे स्क्रीनिंग डेस्क होइतिला आजठारु भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे 3-4 स्क्रीनिंग डेस्क करा जिवो एहास गोटिए टेस्टिंग सेंटर मध्य रहिबो जो मानकर लक्षण देखा जिबो संगे संगे से मानकर सेठारे ही आंटीजेन टेस्ट करा जिबो रेलवे स्टेशन रो प्रवेश ओ प्रस्थान गेट रे करा जिबो ही स्क्रीनिंग सेंटर तबे बस स्टैंड रे स्क्रीनिंग डेस्क करबा नै ए पर्यंत कोनोसी निष्पत्ति होइ नै व्हेवर द फ्रॉम द 12 स्टेट्स हु आर अफेक्टेड पर्टिकुलरली महाराष्ट्र केरला एंड अदर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स सो वंस दे कम दे विल बी स्क्रीन बाय थ्रू थर्मल स्क्रीनिंग इफ एनीबॉडी फाउंड पॉजिटिव they will be taken they will be put in the isolation and they will follow as per the state protocol from airport authority of india side whatever support required for them we are providing bus stand upare abe kichhi e badhiya arrangement kara hai ni but gulae request e badhiya bhi asu chi we are also thinking ki jo alga rajya re bus asu chanti amar alga rajya re e badhiya nahi ki bahut very limited states asanti jaha to direct bus ase so that's how we are thinking but as of now se bhitra kichhi decision nahi aahi odisha re positive sankhya dainik 100 muha helani nua sankraman 24 ghanta re 99 nua rogi chinhat hoitwa bele balangir ru janak jivan jaichi sambalpur jilaru sarvadhika 14 jana nua sankramit chinhat hoitwa bele khorda o baleswar ru 9 lekhaye achanti maharashtra re sthiti utkat thibaru odisha ku bombay ferantanko upare adhik nazar rakha jaitiba kaichanti swasthya mantri navadas खासकर भुवनेश्वर झारसुगुड़ा विमान बंदर समेत राज्यर समस्त रेलवे स्टेशन रे टेस्टिंग पाई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाय छी गणतांत्रिक देश रे सरकार गाइडलाइन तैयारी करे ताकु मानिवार दायित्व होची जनसाधारण को एवं आपन जानि छेंती आमर सरकार सबु समय रे माय डिपार्टमेंट सबु तंगरे लोक को अपील करू छेंती जे मास्क परिधान करंतु आपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करंतु सैनिटाइजेशन करंतु
ଦେଶରେ ଦିନକରେ 15,000 ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଛୁଇଁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16,738 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 138 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। 4 ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କେରଳରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ମତଦାନ। କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପରି ଏପ୍ରିଲ 6 ହେବ ମତଦାନ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ମତଦାତା। ଆସାମରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ମେ 2 ହେବ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ତେବେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ 2021 ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଟୁ 38 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ 234 ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ଶାଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଆଜ୍ ଫଲୋଜ୍। Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. If it is not clear to anybody, I can read it again. ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହାମାରୀ କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର GDP ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 0.4% GDP ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର GDP। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଭାରତର GDP 0.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ଜାରି କରିଛି ତଥ୍ୟ। ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହାମାରୀ କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର GDP ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 0.4% GDP ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ GDP କମିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ବା NSO। ତେବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଥିଲା 3.3%। ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ GDP ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବୈଶେଷିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକରେ GDPରେ 8% ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ GDP ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ GDP ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଦଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ସୁଧୁରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ କରୋନା ମାଡ଼ରୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମୁକୁଳୁଥିବାର ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ 16.9 କୋଟି ଡଲାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଫେବୃଆରୀ 19 ସୁଦ୍ଧା 16.9 କୋଟି ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ସହ 583.87 ଅରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
आरबीआई रिपोर्ट अनुसार विदेशी मुद्रा आसेट वृद्धि जो देश में विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि पर नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे खोर्धा बेगुनिया अंचल रे भयावह अग्निकाण्ड गतकाले विलंबित रात रे एही अग्निकाण्ड घटिछि। अग्निकाण्ड रे जळीगला दुई बखरा घर सह विभिन्न आसबाबपत्र पोड़ी पाउंस हो जायछि। सूचना अनुसारी गतकाले विलंबित रात रे खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक रो सारुओ गाँव में सर्ट सर्किट कारण मंगुली साहूं दुई बखरा घरे निया लागिला। अग्निकाण्ड में लक्षाधिक टंकार संपत्ति भस्मीभूत हो। खबर पाई बेगुनिया दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करते बेलू घर समस्त आसबाबपत्र धन संपत्ति पड़ी पाउस हो जाता। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया भारतीय खेलना मेला उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिशुर मनर विकास रे खेलना एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबा बले ताहा मनस्तात्विक एवं बोधशक्ति विकास करें। मन की बात जरिया प्रधानमंत्री कही खेलना केवल कर्म प्रवण करे ना बर आकांक्षा को प्रोत्साहन देता है। खेलना शिशुर सामग्रिक विकास में सहायक हो प्रधानमंत्री भारत में खेलना या गुरुत्वारोप कर प्रधानमंत्री दूरदृष्टि फलस्वरूप भारत खेलना मेला 2021 आयोजित होगी। मेला फेब्रुआरी 27 रु मार्च 2 तारीख मध्य आयोजित हो। स्टार प्रिंटर हिमा दास आसाम पुलिस डेपुटी सुपरिंटेंडेंट पदवी में निजुक्ति पाई। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से निजुक्ति पत्र ग्रहण करते अवसर में आयोजित एक स्वतंत्र उत्सव में पुलिस डीजी समेत पुलिस विभाग एवं राज्य सरकार को बहु उच्च पदाधिकारी उपस्थित थे। अवसर में निजर प्रतिक्रिया प्रकाश कर 21 वर्षिया हिमा कही जड़े पुलिस अफिसर होगा लगी पिलादिन एक अभिलाष्ला एशियान गेम्स रौप्य विजयिनी तथा जूनियर विश्व चैंपियन कहते से राज्य पुलिस कार्य करने पूर्व भली खेल में अधिक रु अधिक भल प्रदर्शन करने लगे प्रचेषा जारी रहा। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगे उद्घाटित हो जाए द्वितीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जम्मू काश्मीर गुलमार्ग ठारे आयोजित उत्सव को उद्घाटन करने अवसर में प्रधानमंत्री कही क्रीड़ा समारोह होउछि जम्मू काश्मीर को शीतकालीन क्रीड़ार केन्द्रस्थल कर एक पदक्षेप। गुलमार्ग रे खेलो इंडिया आयोजित होवार अर्थ जम्मू काश्मीर शांति और प्रगतिर एक नुआ उच्चता को छुईवा उत्सुक रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को मजबूत कर क्रीड़ा समारोह। जम्मू काश्मीर पलटिब शीतकालीन क्रीड़ार केन्द्रबिंदु एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को कर मजबूत। उद्घाटित है गुलमार्ग में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स। यह अवसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोगदे उद्बोधन देले प्रधानमंत्री। फेब्रुआरी 26 रु मार्च 2 जाए चलो प्रतियोगिता समग्र देश भाग नहीं 1200 प्रतियोगी। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगे उद्घाटित हो द्वितीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जम्मू काश्मीर गुलमार्ग ठारे आयोजित उत्सव को उद्घाटन करने अवसर में प्रधानमंत्री कही क्रीड़ा समारोह हो जम्मू काश्मीर को शीतकालीन क्रीड़ार केन्द्रस्थल कर एक पदक्षेप। गुलमार्ग खेलो इंडिया आयोजित होवार अर्थ जम्मू काश्मीर शांति और प्रगतिर एक नुआ उच्चता को छुईवा उत्सुक रही। एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को मजबूत कर क्रीड़ा समारोह। इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। जो मैंने खेलो इंडिया रो शीतकालीन क्रीडा रे निजर प्रतिभा प्रदर्शन करछंती केवल कौन एक क्रीडार अंश विशेष नुहंती बरम से आत्मनिर्भर भारत रो ब्रांड आम्बासाडर। पूर्वर क्रीडा को पाठ्यक्रम बहिर्भूत कार्य बोली ग्रहण करा जाउथिला मात्र नुआ शिक्षा नीति अनुसार यहाँ पाठ्यक्रम एक प्रमुख अंश भाव ग्रहण करा बोली सूचना देते प्रधानमंत्री। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता था, अब स्पोर्ट करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। यह अवसर में गुलमार्ग में उपस्थित थे केन्द्र क्रीड़ा मंत्री किरण रिजिजू एवं राज्यपाल मनोज सिन्हा। द्वितीय शीतकालीन क्रीड़ा महोत्सव में देशर 27 राज्य और केन्द्र शासित अंचल आसीथिबा 1200 प्रतियोगी विभिन्न प्रकार खेल प्रतियोगितारे भाग नेबे, जहां पूर्व वर्ष अपेक्षा दुई गुण बोली जमापड़। फेब्रुआरी 26 आरंभ होता एक क्रीड़ा समारोह मार्च 2 तारीख में शेष हो। एथिपाई जम्मू एवं काश्मीर रे थिबा दुईट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं 20 जिले रे थिबा खेलो इंडिया केंद्र गुड़ी करे खेलाळींक पई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाय छि। एही 5 दिन धरी विभिन्न रोमांचकर शीतकालीन क्रीडा सह अनेक प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हेबार योजना करा जाय छि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसिबा परवर्ती खबर को। पत्नी को दासी बा निजर संपत्ति भावुथिबा पुरुष माने हो जांतु सतर्क। स्वामी को दासी किंबा संपत्ति नुहंती पत्नी। पत्नी को ऊपर को हाथ उठाई पारिबे नि स्वामी। सेमिति भाभी तांको ऊपर को हाथ उठाइले किंबा कोनोसे प्रकार हिंसा आचरण कले भोगिबा को पड़िबा कठोर दंड। ए बाबद रे बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाई छंती कड़ा टिप्पणी। स्वामी को दासी किंबा संपत्ति नुहंती पत्नी। पत्नी को ऊपर को हाथ उठे पारे नि स्वामी। बॉम्बे हाईकोर्ट को कड़ा टिप्पणी। चा करने को मना कर पत्नी को माड़ मारी युवक। पत्नी को मृत्यु जो एवं भोगुंट जेल दंड। जमिन खारज कर समाज को सतर्क कले कोर्ट। पत्नी को दासी बा निजर संपत्ति भावुवा पुरुष मैने जातु सतर्क। सेमती भाभी ऊपर को हाथ उठाइले किंवा कौन प्रकार हिंसा आचरण कले भोगवाक पड़ कठोर दंड। ए बाबद्रे बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाई कड़ा टिप्पणी। सूचना अनुसार महाराष्ट्र सोलापुर में रहुवा संतोष नामक 35 वर्षीय जन युवक रागरे पत्नी मुंड को कौन से एक ओजनिया वस्तु में प्रहार करते फल चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण करते पत्नी। पत्नी दोष था जे निज स्वामी आदेश अनुसार चा तैयारी घटनार साक्षी थे 6 वर्षिया छोट झी। घटना घटी 2013 मसीह तेरे झीर साक्ष्य प्रमाण बल स्थानीय तलकोर्ट संतोष को 2016 10 वर्ष कारादंड शुणाई। तलकोर्टर राय विरोध में निकटे हाईकोर्ट को जाते संतोष। संतोष को तांको पत्नी चा करने को मना कर परोक्ष माड़ मार उकई तेणु तांको दोषमुक्त करुक्ति बाढ़ी संतोष को वकिल। तेरे समस्त घटना जाणापर तलकोर्टर राय को कायम रखी दोषमुक्त करने संपुक्त युवक आवेदन को खारज कर विचारपति जस्टिस रेवती मोहिते। विचारपति शुणाणी कही स्वामी कहवा अनुसार स्त्री चा तैयारी नदेबा बा मना करबा कोनोसी अपराध नुहे। एतिजोगु रागरे पत्नी को आक्रमण करबा आदो ग्रहणीय हो पार ना। स्त्री स्वामी दासी नुहे किंबा कोनोसी वस्तु बा संपत्ति नुहे। बिवाह हेउची समानता उपरे प्रतिष्ठित एक भागीदारी किंतु एबे भी समाज रे पुरुषतांत्रिक मानसिकता तिष्ठि रहिछि जहाद्वारा अनेक पुरुष भावुछंती पत्नी हेउछंती तांकर संपत्ति आउ दासी। एहा ठीक नुहे बरं एहाकु केन्द्र करि घटितबा कोनोसी अपराध केबे क्षमणीय नुहे बोली कड़ा टिप्पणी देइछंती विचारपति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कुजंगरे उल्लास चढ़ा पर सही समान मद दोकान में आउ जे सेल्समैन प्रदीप प्रधान मृत्यु को नहीं बढ़ला सन्देह। सन्देहजनक भाव प्रदीप मृतदेह एक गचर झुलुवा अवस्था उद्धार होता कहगला आत्महत्या करते प्रदीप। तेज प्रदीप गोटे हाथ भांगी थे भी गचरे चढ़ आत्महत्या केमी कले प्रश्न कर उल्लास चढ़ा हत्याकांड सह प्रदीप मृत्युर किसी करेक्शन ना तो उल्लास जेना प्रदीप डेथ मिस्ट्री। गोटे मद दोकान दुई सेल्समैन को मृत्यु सस्पेंस। पुराणा केस को नहीं कुजंग्रे बढ़ला चर्चा। भंगा हाथ में जड़े गच्छे चढ़ी किभली कले आत्महत्या ये हूँ कुजंग अपंदरा पंचायत नुआ गाँव प्रदीप प्रधान। उल्लास जेना जो मद दोकान काम करुले ये भी से ही मद दोकान कर्मचारी। 2017 प्रदीप होता संदेहजनक मृत्यु। प्रदीप गोटिया हाथ भांगी जाइतिला हेले आश्चर्यर कथा गच्छ उपरे चढ़ी से किभली आत्महत्या कले से किभली चढ़िले गच्छ उपरे ना ये एक प्री प्लान मर्डर। घर लोके भी 3 वर्ष पर मृत्यु को नहीं
संदेह प्रकाश करिसेंति। बो कौन गले ना बाहर को उठिक रहिले 3टा कि 4टा खंडे राति हबो तांको ब्याग से ग्रिल घर पाखे थुआ हिजी। बो कहले कि मो पुओ आसे कुआडे गला मते जाईकि डाकिले कहले आज आसियार थला। मु कहली ना मु जाननी आसियार कथा कौन थे। आमे सबू राति सारा खोजी खोजिकी आउ पाइलुन सका देखला बेलू को आंब गचरे झुलुंट केमी मैं कौन कले आम जानू कि टा कथे कि जानून ना से केवी घर टा कथा कहती मत डाउट लगे जार हाथ भांगी जाए गचरे चढ़ला किमी तपर मिछरे समस्ते कहले से मद काउंटर मद आ प्रमाण कौन जदि से मद पेला मिछरे कहीं देते पैसा देकर तुम ये कथा मिछ कह बिलकिरी हाँ हाथ भांगी जे कि से ड्रेस भी पिंधि पारती ना हाथ को पटिकी भात भी गंडे खाया नहीं पारती मुझे खुआई दिए हाँ गच चढ़ले हाँ असंभव लगला। चार दिन आगु आसिकी घरे मेडिकल जाए औषध पत्र आनी जाए दुकान को आसनी घर को आस देख आम कौन से देखी आम देख लु सका सेतेबेले घटना को चापी दिया जाइथिला। घर लोकंक अभिजोग अनुसारे सेथिरे मद दोकान मालिक भी संप्रुक्त टंका प्रलोभन देखाई एफआर नकरिबा को कहिले। एबे बड़ प्रश्न काही के टंका प्रलोभन देखा गला ये आत्महत्या ना हत्या। उल्लास मृत्यु सह प्रदीप मृत्युर किछि संपर्क नाही तो काही के तदंत कला नाही पुलिस पुरणा फाइल रो पुलिस करिबो कि रीओपन। ତାପରେ ଆମେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ନେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଲିକ ବି ଆସିଥିଲେ ଆସିକିରି ଏଠି ବସିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବସିଲେ ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ନାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି କେସ୍ ଫାସ୍ ଯାଅ ନା ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ରହିଗଲୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଲେନି। ହାତ ଖରାପ ଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଗଛ ଚଢ଼ିଲା ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। 2016 रे उल्लास जेनांकु हत्या 2017 रे प्रदीप प्रधान को मृत्यु रहस्य गोटिए मद दोकान रो दुई कर्मचारी को मृत्यु एबे रहस्य घेर रे किए ये घटना रो मास्टरमाइंड काही के पुलिस ताकु धरु नाही ना ये घटना को मिलिमिसी चापी देबार षडयंत्र। कुजंगरु कैमरा पर्सन टुना मंडल को सह संतोष जेनांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଠାକୁର ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଚତୁହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ମୁଷଳ ଧାରଣ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଦ ଛନ୍ଦି ଏକ ପଦ୍ମ କଢ଼ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଓ ଅମାଲୁ ଭୋଗ କରାଯିବ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗଜରାଜ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ଠାକୁର କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଶାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଜଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ହୁ ହୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଦେବଳ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଏକଦା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଗଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଳପାନ ପରେ ସେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଖସି ପାରିଲେନି ଗଜରାଜ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆସି ସେହି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଗଜରାଜକୁ ଟେକି ଆଣି
से जो कुंभीर को चक्रे नाश करते स्मृति में आज श्रीमंदिर गजोद्धारण बेश अनुष्ठित हो समस्त रही राज्य देश दुनिया तमाम खबर जाने देखु था अर्गस न्यूज नमस्कार।